Hello everyone. Today we are going to study the summary of Act 3, Scene 4 of Merchant of Venice. ये सीन आपके एग्जाम के लिए सेमेस्टर वन के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है. सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस सीन इन डिटेल एंड फर्दर इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं एंड सून विल बी अपलोडिंग मोर एमसीक्यू क्वेश्चंस. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो ये आपका फर्स्ट स्लाइड. तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि फर्स्ट स्लाइड में कौन से लोग रहते हैं. लास्ट स्लाइड लास्ट वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लो ताकि ये सीन आपको और अच्छे से समझ में आए. तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि लास्ट सीन में क्या होता है. लास्ट सीन में ऐसा होता है कि एंटोनियो की न्यूज आती है, यानी कि बेसानियो पोर्शिया को जीत जाता है और उनकी मैरिज जल्दी ही होने वाली होती है. इतने में ही सलारियो एंड लॉरेंजो आते हैं और फिर वो बताते हैं बेसानियो को कि एंटोनियो को शाइलॉक ने अपने अंडर में करने की पूरी प्लानिंग कर ली है. वो उससे बदला लेने वाला है और एंटोनियो का पाउंड ऑफ फ्लैश भी जल्दी लेगा. एंटोनियो का सारा शिपरेक हो चुका है, वो पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुका है. ही हैज नथिंग एंड सो वो अब शाइलॉक के चंगुल में आ चुका है. सो पोर्शिया बेसानियो को भेजती है कहाँ पर, पोर्शिया ग्रासिनो और विशानो को भेजती है कहाँ पर, वेनिस में भेजती है ताकि वो एंटोनियो को जाकर बचा सके. तो इस सीन में कौन से लोग बच जाते हैं. अब बच जाते हैं पोर्शिया, नेरिसा, लॉरेंजो, जेसिका और बाल्थासार. फाइन, तो चलो देखते हैं. सबसे पहली बात तो लॉरेंजो पोर्शिया को कहता है कि मैडम ये बात मैं आपके प्रेजेंस में कह रहा हूँ, यानी कि आपके सामने कह रहा हूँ, बट ये बात सच्ची है कि आपको फ्रेंडशिप की बहुत अच्छी परख है या आपको फ्रेंडशिप की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. आप समझती हो कि फ्रेंडशिप क्या होती है, एग्जैक्टली फ्रेंडशिप क्या होती है. फ्रेंडशिप क्या होती है, फ्रेंडशिप ये चीज होती है कि अगर कोई हमारी मदद करे तो हम भी उसकी मदद करें. फाइन, यानी कि एक फ्रेंड जब मुसीबत में होता है तो हम उसे क्या करते हैं, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसके सिचुएशन को हम समझते हैं एंड वी ट्राई टू हेल्प हिम और हर आउट ऑफ द सिचुएशन. फाइन, तो यहाँ पे पोर्शिया को पता है कि फ्रेंडशिप क्या होती है. फ्रेंडशिप में जब एक फ्रेंड, जब एंटोनियो ने बेसानियो की मदद की तो बेसानियो का भी फर्ज बनता है कि वो एंटोनियो को बचाने जाए. दैट्स वाई वो बेसानियो को नहीं रोकती. सो ये शो करता है कि पोर्शिया को फ्रेंडशिप की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. फाइन, उसके बाद फिर वो यही कहता है, You have a noble and true conceit of godlike amity which appears most strongly in bearing thus the absence of your lord. यानी कि अभी तक आपकी शादी की एक दिन भी नहीं हुई तब भी आपका हस्बैंड एंटोनियो को बचाने चला गया, तभी भी आपने कुछ नहीं कहा एंड यू डू नॉट रिग्रेट अपॉन इट. आपको इस बात के रिग्रेट भी नहीं है. फिर वो क्या कहता है, फिर वो कहता है कि यूजुअली आप जो अच्छे अच्छे डीड्स करते हो, अच्छे काम करते हो, उससे भी ज्यादा आपको गर्व होगा जब आपको ये पता चलेगा कि एंटोनियो कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा वो इंसान है और उसका कितना आपके हस्बैंड का, बेसानियो का कितना अच्छा फ्रेंड है वो. फाइन, तो आपको और गर्व होगा कि आपने जो भी कुछ किया उसके लिए आपको और ज्यादा गर्व होगा जितना आपको यूजुअली नॉर्मल छोटे मोटे अच्छे काम करने में होता है. फिर पोर्शिया क्या कहती है, पोर्शिया कहती है कि मैं अच्छे काम करने में कभी भी नहीं शर्म करती है, अच्छे काम करने में मैं कभी भी नहीं पछताती और बिल्कुल उसी तरीके से अभी भी मैं बिल्कुल भी नहीं पछताऊंगी. अपार्ट फ्रॉम दिस वो कहती है, फॉरेन कंपेनियंस दैट डू कन्वर्स एंड वेस्ट टाइम टूगेदर, दैट मीन्स वो फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स का इंडिकेशन देती है कि फ्रेंड्स क्या होते हैं. फ्रेंड्स यूजुअली एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं, दे फील they feel free with their friends. अपने friends के साथ they try to open up, they try to share whatever they have in their minds and heart. Fine? And दोनों जो भी दो friends, दो तीन जो भी friends होते हैं, fine? We do not have the number. जितने भी friends होते हैं सारे friends के heart connected होते हैं by the bond of love. Love से दोनों की, दोनों तीनों जितने भी friends हैं, fine? यहाँ पे तो एंटोनियो और बेसानो की बात की जा रही है, तो दोनों के heart किससे connected है, love से दोनों के heart जुड़े हुए हैं. Fine? दोनों के heart लव से जुड़े हुए हैं. इट इज बाउंड बाय द बॉन्ड ऑफ लव. फाइन, इसके बाद वो क्या कहती है कि दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं. दैट मीन जो फ्रेंड्स होते हैं यूजुअली एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों बहुत ज्यादा, दोनों में सिमिलैरिटी भी होगी डेफिनेटली. किसके किसके बीच में सिमिलैरिटी होगी, एंटोनियो और बेसानियो के बीच में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होगी. किस सेंस में, मैनर्स में, देन वर्च्यूज में, थॉट्स में, मैनर्स में, ये सारे चीजों में दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होंगी. दैट्स वाई वो कहती है, इसलिए मुझे लगता है कि जो ये एंटोनियो है, जो मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा डियरेस्ट फ्रेंड है, वो बिल्कुल मेरे हस्बैंड की तरह होगा. मस्ट नीड्स बी लाइक माई लॉर्ड. फाइन, जो मेरे हस्बैंड की तरह होगा.
तो वो क्या कहती है, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड की तरह, मतलब एंटोनियो कौन है, बिल्कुल एग्जैक्टली वो बेसानियो की तरह ही होगा, तो मैंने उसकी मदद में मैंने बेसानियो को भेजा है, और जो भी कुछ मैंने मदद करने की कोशिश की है ये बहुत कम है, जितना एंटोनियो डिजर्व करता है, जितना उसने मेरे हस्बैंड के लिए किया, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। फिर वो क्या कहती है, अब ऐसा मतलब वो अपने बारे में ही तारीफ की जा रही थी, तो वो कहती है कि मैंने खुद की बहुत ज्यादा मेरी तारीफ हो रही है, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मैं और अपनी तारीफ नहीं करना चाहती। तो फिर वो कहती है कि चलो मैं दूसरे चीजों के बारे में मैं बात करती हूँ। फिर वो कहती है कि लोरेंजो तुम्हारे हाथों में, मैं इस घर की जिम्मेदारी, मेरे सर्वेंट्स की जिम्मेदारी, सब कुछ मैं तुम्हारे हाथों में दे रही हूँ, जो भी मेरा और बिजानियों का है, जो भी हमारी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं सब कुछ तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ, जब तक मेरा हस्बैंड नहीं आता, और मैं खुद भी कहीं जा रही हूँ, मैं भी खुद भी यहाँ पे नहीं रहूंगी। नाउ लेट्स सी कि वो कहाँ जाती है। सो द इन द नेक्स्ट स्लाइड यू आर एबल टू सी, वो क्या कहती है, आई हैव टुवर्ड हेवन ब्रीथ इन अ सीक्रेट वाउ, दैट मींस मैंने एक सीक्रेट प्रॉमिस लिया है, मैंने एक सीक्रेट कसम खाई है, और इस कसम के हिसाब से मैं प्रेयर्स और मेडिटेशन करूंगी, मैं बस नरसा के साथ कहाँ चली जाऊंगी, एक मोनास्ट्री में चली जाऊंगी जो 2 माइल्स अवे है यहाँ से, और वहां पर हम लोग दोनों प्रेयर्स और मेडिटेशन ही करेंगे। फाइन, इतना समझ में आया, कहीं पर भी किसी को डाउट नहीं है, राइट, आगे मूव करो। ओके, फिर वो क्या कहती है, फिर कहती है कि हम वहीं पे रहेंगे, जब तक हमारे हस्बैंड्स नहीं आते तब तक हम वहीं पे टाइम स्पेंड करेंगे इन प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस। फाइन, फिर वो क्या कहती है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम मेरे घर का ध्यान रखना, व्हाट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैव गिवन यू, प्लीज आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जिम्मा उठा लो जब तक हम नहीं आते, ये मैं आपको बहुत ज्यादा प्यार से सौंप रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी प्रेजेंटली मेरी नेसेसिटी, यानी कि मेरी कंडीशन ऐसी है कि मुझे आपको ये जिम्मेदारी देनी पड़ रही है, सो आई जस्ट होप कि आप ये जिम्मेदारी जो भी मैंने आपको सौंपी है, मेरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी इसको आप उठाओगे। फाइन, फिर बेसानियो, फिर लॉरेंजो कहता है कि मैडम मैं पूरे दिल से आपके पूरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगा, मैं आपके कमांड्स को पूरे दिल से फॉलो करूंगा, मानूंगा। फिर पोर्शिया क्या कहती है, माय पीपल हु ऑलरेडी नो माय माइंड, दैट मींस मैंने अपने सर्वेंट्स को, अपने लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि उन्हें तुम्हें, यानी कि लॉरेंजो को और जेसिका को मेरे और बेसानियो की जगह ट्रीट करना है, उनके जगह पर एक्नॉलेज करना है। फाइन, यानी कि जो भी कुछ मतलब जैसे मैं और बेसानियो, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, एंड वी आर द किंग एंड क्वीन, सो जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी हमारे प्रति जो सर्वेंट्स जैसे हमें ट्रीट करते, एग्जैक्टली अब तुम्हें ट्रीट करेंगे जब तक हम नहीं आते। फाइन, तो फिर वो क्या कहती है कि मैं जाती हूँ, आप तो हम जल्दी ही मिलेंगे। फिर लॉरेंजो कहता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में अच्छे टाइम्स जल्दी आए। फिर जेसिका भी बोलती है कि हाँ मैं भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे विशेष गॉड से प्रे करती हूँ, आपको सारी खुशियां मिले। फिर पोर्शिया कहती है कि पोशा कहती है कि मैं भी तुम दोनों के लिए यही विश करती हूँ, एंड देन वो कहती है कि चलो गुड बाय, मैं जाती हूँ। इतने में ही जेसिका और लॉरेंजो चले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, अब बैल्थजार आता है। बैल्थजार कौन है, बैल्थजार कौन है, बैल्थजार के बारे में उतना अच्छा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, बट मोस्टली वो सर्वेंट टाइप का है। भाई, वो पोर्शिया का लेटर किसके पास लेके जाता है, डॉक्टर बेलेरियो, जो कि पोर्शिया का कजन है, उसके पास लेके जाता है। सो मोस्टली उसके बारे में उतना कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, बट अब इतना बस समझ लो कि वो पोर्शिया का लेटर लेकर जाता है डॉक्टर बेलेरियो, यानी कि उसके कजन के पास। भाई, समझ में आया। अब आगे देखते हैं, अब क्या होता है, पोर्शिया कहती है बैल्थजार को कि बैल्थजार जिस तरीके से अभी तक तुम मेरे प्रति बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहे हो, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी ड्यूटीज मैंने तुमको दिया, जैसे सब कुछ पूरा करता आए हो, आई जस्ट होप कि अभी भी तुम वही करोगे। फिर वो क्या कहती है, उसे लेटर देती है कि लो ये लेटर पकड़ो, ऑलराइट। इसके बाद फिर वो क्या कहती है, और तुम जितना जल्दी, यानी कि एक इंसान जितना जल्दी भाग सकता है, जितना जल्दी कर सकता है, उतना जल्दी ये लेटर लेकर जाओ, पैडवा लेके जाओ, और वहां पे तुम्हें मेरा कजन मिलेगा डॉक्टर बेलेरियो, उसके हाथ में ये लेटर दे देना। फाइन, उसके बाद वो क्या कहती है, उसे वो तुम्हें जो भी नोट्स देगा, जो भी डॉक्यूमेंट, जो जो भी कपड़े देगा, वो कपड़े लेकर तुम कहाँ आना, वहां वो कपड़े लेकर तुम जल्दी से जल्दी आना, कहाँ पर, जो हमने कॉमन जगह डिसाइड की थी, जहां से वेनिस का रास्ता निकलता है, उस जगह पे, उस लैंडमार्क में आके वेट करना, मैं वहां पर तुमसे पहले आ चुकी होंगी, तो मुझे तुम वो सारे कपड़े और जो भी सामान है वो मुझे हैंड ओवर कर देना। फाइन, इसके बाद फिर वो चला जाता है, वो बोलता है ओके मैडम मैं जल्दी से जल्दी पहुंचूंगा। फाइन, इसके बाद वो चला जाता है। फिर पोर्शिया नरिसा को बोलती है कि नरिसा
मैंने तुमको एक मैंने मेरे दिमाग के अंदर एक प्लान है जिसके बारे में अभी तक मैंने तुमको नहीं बताया है। फिर वो कहते हैं कि हमारे हस्बैंड से हम जल्दी ही मिलेंगे, इससे पहले कि वो उन्हें पता चले हम उनसे पहले मतलब उनके सोचने से पहले ही हम वहां पर होंगे और हम अपने हस्बैंड से जल्दी ही मिलने वाले हैं। तो नरेश पूछते क्या हम उन्हें देखेंगे, यानी कि क्या हम उन्हें मिलेंगे भाई, यानी कि क्या वो हमें देखेंगे, हम उनके पास जाएंगे उनसे मिलने के लिए। फिर पोर्शा क्या कहती है, पोर्शा कहती है कि नरेश हम जाएंगे पर इस तरीके से जाएंगे कि वो हमें पहचान नहीं पाएंगे, दैट मीन्स वी विल डिस्गाइज आवर सेल्फ, हम खुद को हम अपना खुद का रूप बदल लेंगे, दैट मीन्स हम मतलब खुद को एक बॉय के ड्रेस में हम खुद को एक बॉय का भेष बदल लेंगे। फाइन दे शैल थिंक वी आर अकम्प्लिश्ड विद ऑल दैट वी लैक, दैट मीन्स उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हम कौन है। आई होल्ड दी एनी वैगर वेन वी बोथ आर क्राउड लाइक यंग मेन, दैट मीन्स वो यहाँ पे कहती है कि आई बेट, मैं ये बेट लगाती हूँ तुम्हारे साथ, किसी भी अमाउंट को मैं तुम्हारे साथ बेट लगाती हूँ कि जब हम दोनों यंग मेन की तरह ड्रेस्ड अप होंगे सो आई प्रूव द प्रिटीर ऑफ द टू, यानी कि उन दोनों से मैं बहुत ज्यादा अच्छी दिखूंगी, उन दोनों से भी ज्यादा मैं स्मार्ट लगूंगी, आई विल बी लुकिंग मोर स्मार्टर एंड हैंडसम देन ग्राशिनो एंड बिसानियो। फाइन इतना समझ में आया। फिर वो क्या कहती है कि मेरे हाथ में मैं डागर यानी कि तलवार पकड़ूंगी बहुत ज्यादा ब्रेवरी के साथ, यानी कि बहुत ज्यादा व्हाट वी से कॉन्फिडेंस के साथ, फाइन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मैं तलवार पकड़ूंगी। और फिर मेनली वो क्या कहती है, मैं किस आवाज में बात करूंगी, मैं क्रैकलिंग साउंड में आवाज में बात करूंगी। मेरी जब एक बॉय बड़ा होता है, जब एक लड़का एक बॉय जब एक मैन बनता है उसके बीच का जो जो ट्रांजिशन फेज होता है, यानी कि जब एक बॉय मैन में बदल रहा होता है, फाइन जब वो अडल्टहुड से मेच्योरिटी आई मीन मेच्योरिटी से जब वो अडल्टहुड में जाता है, जब वो बड़ा हो रहा होता है, जब वो मैन बन रहा होता है, तो उसकी आवाज में थोड़े चेंजेस आते हैं। आपने यूजुअली ऑब्जर्व किया होगा लड़कों की आवाज थोड़ी अजीब सी कर कर टाइप की आती है, अजीब सी आवाज आती है, बहुत गंदी आवाज आती है। तो वो क्या कहती है, मैं इसी आवाज में बात करूंगी, फाइन जब मैं बॉय का भेष बदलूंगी, आई विल डिस्गाइज माई सेल्फ एज अ बॉय, तब मैं क्या करूंगी, मैं क्रैकलिंग साउंड में बात करूंगी। फिर जैसे कि लड़कियां मेरे लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेती है, तो मैं बॉय की तरह बड़े बड़े स्ट्राइड्स यानी कि लॉन्ग स्टेप्स लूंगी, लंबे लंबे स्टेप्स लूंगी। फाइन ऑन फ्रेज दैट मीन्स मैं बहुत बड़ी चड़ी झूठे बातें करूंगी, बड़े बड़े डींगे हाकूंगी। फाइन जैसे कि एक यंग बॉय या फिर एक यंग लड़का बड़ी बड़ी बातें बस करता है, बड़ी बड़ी फेंकता है, जैसे हम कहते हैं बहुत लंबी लंबी फेंक रहा है, फाइन उसी तरीके से मैं बहुत बहुत सारी बातें बस फेंकूंगी, आई विल बी बूस्टिंग फाइन, और मैं बहुत सारे ऐसे झूठे झूठे बातें कहूंगी, यूजुअली मैं बहुत सारे झूठी बातें कहूंगी फाइन, कि कैसे बहुत सारी लड़कियां मेरे प्यार में पागल थी, वो कैसे मुझे हासिल करना चाहती थी, वो मुझसे प्यार करती थी, और मैंने जब उनको मना कर दिया कि मैं उनसे शादी नहीं करूंगा या फिर मैं उनका नहीं होऊंगा, दैट मीन्स पोर्शा कहती है कि जब मैं बॉय बनूंगी और जब मैं लोगों के सामने बोलूंगी कि बहुत सारी लड़कियां मुझसे प्यार करती थी लेकिन मैंने उनको मना कर दिया, तो उसकी वजह से वो बीमार हो गई और फिर वो मर गई, फिर मैं उनके सामने ऐसा दिखावा करूंगा कि मैं बहुत ज्यादा दिखावा करूंगी कि मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ। फिर वो कहती है कि मैं ये भी बोलूंगी सबको को कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने उन्हें नहीं मारा है, फाइन, और ऐसे बहुत सारे झूठी बातें मुझे पता है, मैं उनके सामने ऐसे झूठी छोटे लाइज बोलूंगी जिससे कोई मुझे पहचान ना पाए, और वो लोग मुझे देख कर उन्हें ऐसा लगेगा कि मैंने 1 साल पहले ही स्कूल छोड़ा है, मैं इतनी ज्यादा यंग दिखूंगी, इतनी ज्यादा हैंडसम लगूंगी। फाइन उसके बाद वो क्या कहती है, उसके बाद वो कहती है कि मेरे दिमाग में ऐसे बहुत सारे आइडियाज है जिसको मैं अपनाऊंगी, जिससे मैं प्रैक्टिस करूंगी उन लोगों को बेवकूफ बनाने को। फाइन समझ में आए। अब लास्ट वाले पैराग्राफ में आ जाओ। सो ये वाला आई वाला तो आपके बुक में दिया हुआ है नहीं, तो उसको हटा दो। फाइन जो कुछ कुछ लाइंस एक्स्ट्रा उसको हटा दो, ये वाला भी नहीं है। फिर पोर्शा क्या कहती है, फिर पोर्शा लास्टली कहती है बट कम आई टेल दी ऑफ द ऑल द ऑल माई होल डिवाइस व्हेन आई एम इन माई कोच, दैट मीन जो कहती है कि मैं डिवाइस मीन्स प्लान, जो भी मैंने प्लान्स बनाए हैं वो मैं तुम्हें कोच में दैट मीन्स कैरेज में बताऊंगी, जो वो कैरेज मेरे पार्क के गेट में हमारा वेट कर रहा होगा, वहां पे बैठकर मैं तुम्हें सारी आगे की प्लानिंग समझाऊंगी, सारी बातें आगे मैं तुम्हें समझाऊंगी, इसलिए जल्दी करो। फाइन हमें 20 माइल्स दूर जाना है, आज ही हमें पहुंचना है। फाइन अब वो कहाँ जाते हैं, आप हिंट लगा लो कि वो कहाँ जाते हैं। अभी उसने जस्ट कहा ना कि हम वेनिस जा रहे हैं हमारे हस्बैंड्स के पास, दैट मीन्स वो दोनों वेनिस जाएंगे बॉय का रूप लेकर। फाइन समझ में आई पूरी सी, कहीं पे किसी को भी डिफिकल्टी नहीं है, तो इसी के साथ ये सीन हो जाता है खत्म। एग्जिट मीन्स एग्जिट, इसका मतलब एग्जिट होता है, सिंपल समझ लो, एग्जिट इन एक्साइटिंग एग्जिट। फाइन समझ भाई।
तो गाइस इसी के साथ ये सीन हो जाता है खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो की एक एक लाइन समझ में आई होगी। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में ये वीडियो शेयर करोगे, एंड ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड वन मोर थिंग, आई वॉन्ट टू गिव यू अ स्माइली एज यूजल। सो दिस इज अ स्माइली फॉर यू गाइज। ये स्माइली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ये स्माइली आपके लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंटायरली। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।